आप लोगों को करना क्या है टेक कॉपी निकाल लो पेन निकाल लो एंड okay? yes. तो लेट्स भी मैं आपको कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं यू आर डेफिनेटली आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत पास आ चुका है like, मतलब बहुत पास आ चुका है। तो यू रियली वॉन्ट टू हैव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस अलॉन्ग प्रॉपर सपोर्ट विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी अकेडमिक अब जैसे फ यू वॉन्ट टू गेन हंड्रेड परसेंट कॉन्फिडेंस की नहीं भाई अब तो मतलब मचा देना एग्जाम में ऑल्सो विथ अनलिमिटेड लाइव क्लासेस मीनस कोई डाउट आए तो आपको ये ना फील हो अरे और ये कैसे हो गया मतलब क्लासेस है या नहीं आई डो आई है सपोर्ट और नॉट सो फॉर दैट रीजन येस यू कैन अवेल दिस विदान टू सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसलीके एंड यू कैन कॉम्पीट विथ एवरी स्टूडेंट हुईंग टू गिव द एग्जाम्स हू इज गोइंग टू बी विद यू हुई टू अपियर फॉर द एग्जाम यू आर ट्राइंग टू अपियर फॉर ऑब्वियसली बच्चों उसके साथ साथ ये सारी चीजें आपको अवेल कर सकते हो मतलब ये सारी चीजें आप अवेल तो कर ही सकते हो एट द सेम टाइम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इन क्लास डाउट सॉल्विंग भी होगा मतलब आपके जो भी डाउट्स हैं दे कुड बी केयर आराम से वो क्लास में इट वुड बी डेफिनेटली टेकन केयर तो टेंशन नहीं लेने का है आराम से इधर आने का है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेप टूवर्ड्स गेनिंग हंड्रेड परसेंट नॉलेज एंड टूवर्ड्स गेटिंग समथिंग सुपर डुपर ऑसम DB Pro is the code, बिल्कुल मत भूलना, very important, very very important, and please just go for it. Description box में link दिया हुआ है, आपको code apply करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, you will be directly clicking into the link, you would be, the code will be automatically getting applied, तो tension mention की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, आप directly अपने code apply कर सकते हो. At the same time, बहुत सारे crash courses start हो रहे हैं. कुछ मेरे खुद के स्टार्ट हो रहे हैं सो गो फॉर इट डोंट मिस दस ट्वेंटी सेकेंड मार्च से मेरा एक क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है बच्चों डोंट मिस द चांस एंड बी हियर कम ऑन ओके यस परफेक्ट ठीक है तो हम लोग क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करने वाले बच्चों कॉस्ट इज इट्स टू मच कॉस्ट इफेक्टिव इट्स टू गुड इट्स टू गुड क्वेश्चन नंबर वन हंड्रेड रुपीज शेयर ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल एट इन द मार्केट एट द प्रीमियम ऑफ रुपीज ट्वेंटी मतलब इसका देखो बच्चों ध्यान से देखो हंड्रेड रुपीज उसका फेस वैल्यू था ऑब्वियसली जो आपका फेस वैल्यू था वो कितना था हंड्रेड रुपीज अब आपका मार्केट वैल्यू कितना है मार्केट वैल्यू प्रीमियम ट्वेंटी रुपीस पे है मींस वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी व्हेन द मैं रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टीन कितना सिंपल है इट्स वेरी सिंपल राइट एनीबॉडी कैन डू दैट काफी सिंपल क्वेश्चन आपको बस ये पता होना चाहिए कि रिटर्न रेट क्या होता है फॉर एग्जाम्पल रिटर्न रेट आर आर क्या होता है बच्चों? इट इज गोइंग टू बी कितना प्रॉफिट बेसिकली कितना इनकम हुआ ओके सो टोटल इनकम

ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक काम करना होता है ओके यू डू वन थिंग है ना बच्चों मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूं काफी सिंपल सा आप ना पहले फर्स्ट दोनों का यूज करो और फिर लास्ट दो का यूज करो आंसर आएगा देखो कैसे ध्यान से देखो सो -1 1/2 को हमने लिखा क्या बच्चों 2 टाइम्स 2 4 सो ऑफ 5/2 2x इज लेसर देन इक्वल्स टू 4x/5 मैंने क्या किया मैंने 2x जहां पे था वही रहन दिया हमने 5 बाई टू को इधर ला लिया तो हमने देखा 2x एक्स माइनस फोर एक्स बाय फाइव इज लेसर देन इक्वल्स टू माइनस फाइव बाई टू जब इधर आएगा तो बनेगा प्लस फाइव बाई टू या फिर आप डायरेक्टली फाइव बाई टू लिख सकते हो कोई डाउट नहीं ठीक है अब थोड़ा सॉल्व करते हैं सो so, हमने लिया एलसीन एक्स माइनस फोर एक्स मतलब सिक्स एक्स डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू कितना यहां पर हो जाएगा फाइव बाई टू और लेसर देन इक्वल्स टू ठीक है हमने अब यहां पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश की तो पता चला कि x इज लेसर देन इक्वल्स टू हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 25 upon 12. So it's going to be 25 अपॉन अपॉन सो इट्स गोइंग टू बी आई थिंक यहां तक कोई मिस्टेक नहीं है एक बार मैं चेक कर लेता हूं ठीक है सो टू एक्स इधर फोर एक्स बाई फाइव इधर आया ठीक है सब कुछ ठीक था कोई ओ हो, हो 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 सब कुछ सही है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ओके सो नाउ लेट्स सॉल्व द सेकंड वाला पार्ट सो so सेकंड वाला पार्ट क्या है फोर एक्स अपॉन फाइव लेसर देन इक्वल्स टू फोर बाई थ्री प्लस टू एक्स अब क्या होगा फोर एक्स बाय फाइव के बगल मेंदर साइड ऑल्सो कंप्लीटली फाइन ओके सो यू गॉट टू नो फ्रॉम ह्योर दैट फोर एक्स बाई फाइव माइनस टू एक्स इज लेसर देन इक्वल्स टू फोर बाई थ्री इजिली सॉल्वेबल है ठीक है इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे देखो काफी सिंपल है आप आराम से देख सकते हो, ओके okay? कैसे? आपने इसको सॉल्व किया तो यहां मिला माइनस ऑफ़ इज लेसर देन इक्वल्स टू क्या फोर बाई थ्री ठीक है आप दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो पता चला सिक्स एक्स बाई फाइव इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर बाई थ्री आपको पता होना चाहिए साइंस अगर चेंज uh, करते हो तो जो आपका इक्वालिटी का साइन है वो भी चेंज होता है ठीक है अगर वो ग्रेटर देन है तो लेसर देन हो जाएगा लेसर देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा काफी सिंपल है ठीक है ओके सो फ्रॉम हियर यू गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स बेसिकली आपको पता चला एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लुक कैंसिलेशन अगर आप चाहो तो यहां पे भी कर सकते हो यू कैन राइट इट लाइक टू और यहां पे आप लिख सकते हो थ्री तो इट विल बिकम एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टाइम्स ऑफ टेन डिवाइडेड बाई नाइन अब ये काफी सिंपल हो गया आप दोनों को यूज करोगे इस वाले पार्ट को भी यूज करोगे इस वाले पार्ट को भी यूज करोगे तो अल्टीमेटली आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि x इज एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10 बाय 9 एंड इट इज लेसर देन इक्वल्स टू 25 अपॉन 12 तो ये काफी सिंपल है अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना आई डोंट थिंक इट्स अ टफ टास्क कोई भी कर सकता है लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज one root as x equals to three. Find the value of m and the root of the equation. काफी सिंपल है. देखो कैसे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या है बच्चों? Three है. ठीक है. आपको m की वैल्यू निकालनी है एंड आल्सो द अदर रूट ऑफ द इक्वेशन देखो मेरी बात सुनो अगर एक रूट थ्री है मतलब जब हम थ्री को पुट करेंगे तो ये तो सेटिस्फाई करना चाहिए इक्वेशन को तो हमने थ्री को पुट किया तो थ्री स्क्वायर माइनस एम प्लस वन टाइम्स ऑफ थ्री प्लस सिक्स शुड बी इक्वल टू जीरो थ्री स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन प्लस सिक्स इज ओके ठीक है नाइन प्लस सिक्स को हम इधर लिख सकते हैं और इधर हम एम प्लस वन को ला सकते हैं तो एम प्लस वन टाइम्स ऑफ थ्री ठीक है क्यों देखते हैं बहुत सिंपल है तो नाइन प्लस सिक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन दैट इज इक्वल टू एम प्लस वन टाइम्स ऑफ थ्री हमने कैंसिलेशन किया यहां बचा फाइव फाइव इज इक्वल टू एम प्लस वन तो जो एम की वैल्यू आई फाइव माइनस वन दैट इज इक्वल टू फोर क्वेश्चन खत्म कंप्लीटली डन एम की वैल्यू फोर आ गई अब आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो यहां पे दैट इज पर माइनस फाइव एम प्लस सिक्स दैट इक्वल्स टू जीरो आगे सॉल्व करना बिल्कुल टफ नहीं है कोई भी कर सकता है स्प्लिटिंग द मेरल टर्म फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मुला कुछ भी लगाओ दूसरा रूट आ जाएगा

लेट्स डू इट तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या पता चला हैव अ लुक 8 देखो ध्यान से बहुत सिंपल है 8 ऊपर जाएगा मतलब ये सॉरी 2x plus 2y ऊपर जाएगा तो 8 टाइम्स ऑफ x plus 2y दैट इज इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ 2x एक्स अब थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको ठीक है 8x plus 16y प्लस टू ट्वेंटी अब क्या करेंगे ये बहुत ही सिंपल हो चुका है अपन इसको लाए इस साइड ठीक है ध्यान से देखो तो 8 अब एक काम कर सकते हैं वी कैन आल्सो ब्रिंग इट लाइक दिस 16y plus 11y इधर आएगा तो बचेगा कितना बच जाओ कितना 27y दैट इज इक्वल्स टू कितना 22x minus 8x विल बी इक्वल्स टू हाउ मच एवरीबॉडी नोस दैट 14x हमने यहां पे काम किया पता है क्या हमने y को इधर लेके आया तो यहां पे बचेगा 1 तो दिस विल बी इक्वल क्योंकि नीचे आएगा ना ना में 27Y. पक्का है 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 कुछ और भी आ रहा है, पता नहीं I don't know. <laughs> देखते हैं चलो ठीक एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे हमने जब इसको सॉल्व किया ना तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं और एक्स प्लस टू वाई ठीक है एक्स प्लस टू वाई सब कुछ परफेक्ट है एक बार चेक करते हैं सब कुछ परफेक्ट है सब कुछ परफेक्ट है ठीक है ओके okay, अब यहां पे हमारे पास क्या समझना है ध्यान से देखो बहुत सिंपल सी चीज है हम क्या कर सकते हैं हम इसको हल्का सा ना अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकते हैं हमने यहां पे क्या लिखा वन विल बी इक्वल टू देखो हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ऑफ सेवन एक्स और इसको हम लिख सकते हैं थ्री टाइम्स ऑफ वॉट 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 वट वॉट एक्सैक्टली नाइन वाई हमने क्या किया थ्री ऊपर चला जाएगा और टू नीचे चला आएगा तो ये बना हमारा दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू विच इज इक्वल एक्स इज टू नाइन वाई और बस यही हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था और हमने इसका आंसर निकाल लिया आप बोलोगे सर ये कैसे लगाया देखो यहां पे क्या बोला है फोर्टीन एक्स है ना यहाँ पे हमें चाहिए सेवन एक्स हमने टू को अलग कर लिया यहाँ पे हमारे पास ट्वेंटी सेवन वाई है ना हमें चाहिए नाइन वाई हमने थ्री को अलग कर लिया क्वेश्चन सिंपल है यार चले कर सकते हैं ठीक है अगर नहीं समझ में आए तो एक बारी और करना है फिर आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर आपको बन जाएगा विच टर्म ऑफ द एस फिफ्टी टू मतलब 52 होना चाहिए इस कौन सा टर्म है वो कौन सा टर्म हमें जो टर्म नहीं पता होता हम एपी में क्या करते हैं हम बोलते हैं टर्म है वो हाँ अब हमें फर्स्ट टर्म पता है क्या हाँ बिल्कुल हमें फर्स्ट टर्म पता है दैट इज वन क्या हमें कॉमन डिफरेंस पता है बिल्कुल हमें कॉमन डिफरेंस पता है दैट इज इक्वल टू थ्री हमने निकाला क्या हमने निकाला इसका टर्म नहीं वो हमें देके रखा है कितना है 52 अब हम एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाइड डी की वैल्यू कितनी है बच्चों की वैल्यू कितनी थ्री दैट इज इक्वल टू फिफ्टी टू हमें यहां से पता चला कि एन माइनस वन टाइम्स ऑफ थ्री क्योंकि वन इधर आएगा तो बचेगा यहां पे फिफ्टी वन हमने इसको किया कैंसिल

ठीक है अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है क्या कहना क्या चाहते हो देखो ध्यान से क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप ध्यान से देखो एक्स एक्सिस वाला जो मिड पॉइंट है वो पॉजिटिव है पॉजिटिव है ठीक है मतलब अगर मिड पॉइंट उसका पॉजिटिव है मतलब पक्की बात है देखो देखो सिंपल से बात है अगर एक पॉइंट एक्स एक्सेस में लाई कर रहा है एक पॉइंट में कर रहा है अपन ये भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो ठीक है एक्स हमने, हमने, ये, ये एक्सेस में है तो हम बोलेंगे एक्स कॉमा जीरो एक्स एक्सेस में है हमारे पास एक पॉइंट भी है क्योंकि वो वाई एक्सेस में है हम बोलेंगे जीरो कॉमा वाई ठीक है हमें उसका मिड पॉइंट पता है विच इज विच इज

वाई डिवाइडेड बाई टू काफी सिंपल है तो हमने ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो माइनस सिक्स दट इज इक्वल टू वाई तो हमें वाई की वैल्यू भी मिल गई हमें एक्स की वैल्यू भी मिल गई हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया और हम बोलते डन हो गया ठीक ठीक है 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 तो काफी सिंपल है, है? अब इसके अलावा आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो जैसे आपको पता चल गया वाई की वैल्यू कितना जीरो स्लोप काफी सिंपल तरीके से निकाल सकते हो कैसे स्लोप निकालने का वही सिंपल तरीका होता है बच्चों वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन

एक्स टू माइनस एक्स वन सो जीरो माइनस ऑफ माइनस जीरो माइनस ऑफ टू सिंपल ठीक है तो यहां मिला हमारे पास माइनस सिक्स प्लस थ्री तो माइनस ऑफ किता माइनस ऑफ थ्री आई गेस अपॉन माइनस ऑफ टू सो हमें स्लोप तो मिल गया दैट इज इक्वल टू थ्री बाई टू बाकी का काम आप कर सकते हो काफी सिंपल है ठीक है सो so दजा आया वी हैव कंप्लीटली कंप्लीटली ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वी है और भी ज्यादा क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में मिलेंगे सो एवरीबडी है कुछ आप जीपीवीपी वाले छोड़ देना वो मत करना बच्चों मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रूशियल स्टेज फॉर यू बोर्ड्स आने वाले हैं बिल्कुल बगल में आ चुके हैं तो बच्चों दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट अलॉट एंड अलॉट तो बिल्कुल इस चांस को मिस मत, मत मत करो मैं चाहता हूं कि आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस मत करो इट्स रियली इंपॉर्टेंट सो दैट्स इट और बच्चों आपको एक और बात मैं बता दूं कि नॉट जस्ट दिस आपको दिस होल थिंग दिस होल थिंग यू आर गेटिंग द पिक्चर एट अ वेरी लेस कॉस्ट तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है तो गो फॉर इट डोंट मिस द चांस बिकॉज आपके सामने है और ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट सपोर्ट इट्स गोइंग टू बी सो दैट्स इट थैंक यू सो मच लॉट्स ऑफ लव टू एवरीबडी इट वॉज ऑसम सेशन आपको कोड लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी यस यू विल बी गेटिंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जहां पे आपको ऑलरेडी कोड अप्लाइड मिलेगा आप मेरे बैचेस में आ पाओगे आप मेरे क्रैश कोर्सेज में आ पाओगे सो गो फॉर इट डोंट मिस द चांस एंड आई मस्ट टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों बहुत सारे आईसीएससी के बच्चे आप सीबीएसई में मूव करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं अपनी जेई प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो बच्चों दिस कोड इज आल्सो अवेलेबल ओवर देयर आप कोई भी जेई का कोर्स लाइक फॉर एग्जांपल टू ईयर वन ईयर वॉट एवर यू आर परचेजिंग दिस इज द कोड विच यू कैन अप्लाई टू गेट द डिस्काउंट अलॉट अमाउंट ऑफ Thank you so much. Have a good time. Bye bye. Take care. Lots of love to everybody. Bye bye. Have a good time.